रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। शहरी में बहुत कम वक्त बचा है और सालन भी बनाना है, कुछ अच्छा खाने को भी दिल कर रहा है, तो जनाब परेशान क्यों है। आज इमरान उमर सिर्फ 10 मिनट में आपको एक ऐसी रेसिपी सिखाएगा, इस रेसिपी को बना लेने के बाद आप हर रोज शहरी में इसी रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ये वाली मजेदार सी रेसिपी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, एक भी मिनट स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आज आपको शहरी की ऐसी रेसिपी मिलेगी कि आप लोगों से शेयर करेंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे, फैमिली एंड फैमिली मेंबर से शेयर करेंगे कि आपको ये रेसिपी एक तोहफा है। यहाँ पे है मेरे पास दाल है मेरे पास मूंग और मसूर की, जिसको मैंने 6 घंटे पहले अच्छी तरह वॉश करके धो के भिगो दिया था। देखे बिल्कुल साफ है, पानी ट्रांसपेरेंट है। दालों को पकाने से पहले अच्छी तरह वॉश किया करें। अब इसमें ऐड कर देंगे एक दरमियाने साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, एक दरमियाने साइज का टमाटर बिल्कुल बारीक कटा हुआ रेड कलर का मेरा फेवरेट। अगली चीज इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद, खुशबुओं से भरपूर लज्जत से भरपूर देसी अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन जाएगा 2 टेबलस्पून भर के, कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, मसाले कम ही ऐड करेंगे क्योंकि शहरी में मसाले कम ऐड होते हैं। इसमें ऐड कर देंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, काली मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। एक चीज हम एड पे जाके ऐड करेंगे, बहुत ही स्पेशल चीज है वो, जिससे आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी, सालन की जलन महसूस नहीं होगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा रोटी खाने को दिल करेगा। हल्दी ऐड कर देंगे 1 चम्मच, तमाम चीजों को ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में, सैरी में टाइम कम होता है, ये हमने झटपट सिर्फ 10 मिनट में इसको तैयार कर लेना। कवर लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको सीटी लगा देंगे। तो ले जी यहाँ पे सीटी लगाए हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं, सीटी को करते हैं रिमूव। ध्यान से करिएगा, बहुत ज्यादा स्टीम होता है, आपका हाथ जल सकता है। तो चले जी अब करते हैं मजेदार सा तड़का तैयार। यहाँ पे मैंने ले लिया कुकिंग ऑयल लिया मैंने 1/2 कप। इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन तकरीबन 1 टेबलस्पून। जब लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए, तब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच साबुत जीरे का। इसको भी आपने जस्ट यहाँ पे रोस्ट करना है 10 से 15 सेकंड के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच में जिसको मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया था। मैंने आपको बताया था कि एक चीज स्पेशल हम एंड पे ऐड करेंगे जिससे दाल का सालन का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और खाने को भी बहुत ज्यादा दिल करेगा। और एक स्पेशल बात, बिल्कुल भी आपको जलन नहीं होगी। तो जनाब ये है वो सीक्रेट चीज, अदरक लहसुन और हरी जमीन के पुदीना सब्ज धनिया पेस्ट, जिसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था तकरीबन 4 टेबलस्पून, ये ऐड करेंगे अच्छी तरह आप इसको पकाएंगे। इसको ऐड करने से आपके मैदे पे बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। शहरी में जहां आप एक रोटी खाते हैं, इस सालन के साथ आपका 2 रोटी खाने को दिल करेगा। इसी के साथ दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ये आपकी तरफ से इमरान उमर को इनाम होता है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका शुक्रिया। यहाँ पे इसको आपने अच्छी तरह पकाना है, अच्छी तरह फ्राई करना है। अब इसमें दाल ऐड कर देंगे जिसको हमने उबाइल कर लिया था। दाल का कलर देखिए कितना ही प्यारा आया, देखिए जी दाल का कितना ही प्यारा कलर आया। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप चाहे इसको थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं, लिक्विड कर सकते हैं। दाल हमारी पक के तैयार है। यहाँ पे इसको फ्रेशनेस देने के लिए, फ्रेश करने के लिए सब्ज धनिया ऐड कर देंगे। सैरी हमारी बन के तैयार है, तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितनी ही मजेदार और कितनी ही कम वक्त में हमने दाल को तैयार कर लिया है। आप एक दफा इस रमजान इस तरह शहरी में इसको बनाइएगा और बना के आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, दुआएं सब कुछ है इस माह रमजान में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।